स्टॉक जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं दिग्गज स्टॉक NTPC लिमिटेड के बारे में। देखिए दोस्तों, आज है 22 अक्टूबर और गिरावट का सिलसिला इस स्टॉक में जारी है। करीबन 2.5% की गिरावट इस स्टॉक में आज के दिन अभी तक हमें देखने को मिल रही है। 144.65 रुपये पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाइंग एंड सेलिंग क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो देखिए, अब भी हैवी सेलिंग इस स्टॉक में की जा रही है। 14,26,000 क्वांटिटी अभी तक उठाई गई हैं। वहीं बाइंग क्वांटिटी की मैं बात करूं तो 10,46,000 क्वांटिटी अभी तक बाइंग की जा चुकी है। तो देखिए, सेलिंग प्रेशर अभी भी इस स्टॉक में बना हुआ है दोस्तों। लेकिन इसी बीच डिलीवरेबल क्वांटिटी अगर हम बात करते तो अच्छी खासी डिलीवरेबल क्वांटिटी यहाँ पर उठाई जा रही है। 58% की डिलीवरेबल क्वांटिटी आज के दिन अभी तक यहाँ पर उठाई गई है। तो फटाफट से डिस्कस करते हैं क्या रणनीति हमें अपनानी चाहिए NTPC स्टॉक के अंदर। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने NTPC का डेली चार्ट हमने लगाया हुआ है। शानदार मूव इस स्टॉक ने लॉन्ग टाइम फ्रेम और शॉर्ट टाइम फ्रेम दोनों ही टाइम फ्रेमों में बनाकर दिखाया है। देखिए, एक शानदार हाई इस स्टॉक ने बना दिया था 152.32 रुपये का, लेकिन अब देखिए तो इसमें करेक्शन यहाँ पर देखी जा सकती है और 144.65 रुपये पर स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बात करें रणनीति की, हमारे हिसाब से देखिए एक सपोर्ट नीचे की तरफ यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है और वो सपोर्ट है 140.44 रुपये का। अगर गलती से ये सपोर्ट टूटता है दोस्तों, तो फिर ये 130 रुपये की तरफ लुढ़कता हुआ नज़र आने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, अभी तो आपको इस स्टॉक को होल्ड कर लेना चाहिए और 140.44 रुपये का आप चाहें तो एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा कर चल सकते हैं। जी दोस्तों, 140.44 रुपये का स्टॉप लॉस आपको ज़रूर लगाना चाहिए। यदि इसको क्रॉस कर जाता है दोस्तों, तो फिर ये नीचे की ओर लुढ़कता हुआ नज़र आने वाला है। तो यही रणनीति आपको अपना कर चलनी है इस स्टॉक में। अभी आप अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो अभी आपको फ्रेश बाइंग से बिल्कुल हम मना करेंगे। अभी बिल्कुल भी फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि फर्दर ये गिरावट और भी जारी हो सकती है। तो यही रणनीति आपको अपनानी है इस समय NTPC स्टॉक में। आप चाहें तो अपनी खुद की एनालिसिस, अपनी खुद की रिसर्च भी करके चल सकते हैं। तो यही बताने के लिए हमने वीडियो बनाई थी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।